मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देवास पुलिस न सिर्फ अवैध गतिविधियों और बदमाशों पर नकेल कसने में जुटी है बल्कि निरंतर फ्लैग मार्च कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार की शाम को देवास जिले के हाट पिपलिया पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है जिसमें थाना प्रभारी मंजू यादव RPF जवानों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने नगर के मुख्य मार्गो पर फ्लैग मार्च किया है और आम जनता से शांति और सद्भावना से दीपावली त्योहार मनाने के साथ ही 17 नवम्बर को निडर होकर मतदान करने की अपील की है। आज नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया था, किस विषय को लेकर, क्या है पूरा मामला बताएं। आज कस्बा हाट पिपलिया में हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है। हमारे पास जो यहाँ ड्यूटी के लिए मतदान के संबंध में बल आया है, मतदान के समय किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो इसके मद्देनज़र हम लोगों ने कस्बा हाट पिपलिया में आज ये फ्लैग मार्च निकाला है। कौन सी टीम थी मैडम ये? हमारे यहाँ RPF का बल आया है के द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाला। जी पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकाला है ताकि शांतिपूर्वक मतदान कराया जा सके। अच्छा, विधानसभा चुनाव को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में? सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।